अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अच्छे से रोजे रख रहे होंगे। तो आज हम इफ्तार स्पेशल में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनाना मिल्क शेक, जो कि हर घर में ही बनता है। लेकिन आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जैसे जूस कॉर्नर पे या रेस्टोरेंट्स में बनाया जाता है। हम घर में मिल्क शेक बनाते हैं लेकिन उसका टेस्ट जो है बाहर से डिफरेंट होता है। क्यों होता है वो मैं आपको आज बताती हूँ कि वो ऐसा क्या इसमें ऐड करते हैं। तो चलें जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक जग ली है, दूध डालेंगे 2 ग्लास। ये मैं फुल फैट मिल्क ले रही हूँ। मिल्क शेक के लिए आप जब भी जो है दूध यूज़ करें वो या तो आप डब्बे का दूध यूज़ करें, क्योंकि डब्बे का दूध जो होता है वो गाढ़ा होता है, या फिर आप जो है दूध जब इस्तेमाल करते हैं घर वाला वो फुल फैट मिल्क यूज़ किया करें और साथ में उसमें जो है मिल्क पाउडर ऐड किया करें। उससे जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मज़े का हो जाता है। और बाजार में जो हम इनके मिल्क शेक पीते हैं उसमें जो है उन्होंने यही ऐड किया होता है, मिल्क पाउडर वो लोग ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है घर वाले उससे मुख्तलिफ होता है। इसके अंदर हम 2 खाने चम्मच कंडेंस मिल्क डालेंगे। ये करीब 2 खाने के चम्मच हमने इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाला है। 2 से 3 खाने के चम्मच हम शुगर डालेंगे। आप शुगर कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप पीना पसंद करते हैं। अगर ज़्यादा पीना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर कम पीना पसंद करते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। लेकिन कंडेंस मिल्क लाजमी डालिएगा, क्योंकि इससे जो है इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बाकी जूस कॉर्नर पे जो जूस हम पीते हैं, जो मिल्क शेक हम पीते हैं, उसमें वो लोग पाउडर मिल्क और ये ही यूज़ करते हैं, कंडेंस मिल्क यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है मिल्क शेक जो है बहुत मज़े का होता है। इसके अंदर अब हम डालेंगे 6 अदद बनाना हमने ऐड कर दिया है। अब इसको बंद करेंगे और चलाएँगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। इसके अंदर हम बर्फ़ डाल रहे हैं, 1 ट्रे में बर्फ़ डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं बर्फ़। अगर आप ज़्यादा ठंडा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें। बर्फ़ डाल के इसको लाजमी ही लाएंगे, यानी कि ब्लेंड कर। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया, इसे निकालेंगे और ग्लासों में डालेंगे। ये देखें कितना अच्छा ब्लेंड हुआ है, कितना अच्छा ये बना है, कितना ठीक है। ये देखें गिलासों में डालेंगे, ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है, कितना थिक ये बना है। ये देखें आप इस तरीके से घर पे आप तैयार करें और इसको ट्राई करें, आप यकीन करें बहुत आपको पसंद आएगा, बहुत ही मज़े का ये बनता है। बिल्कुल जैसे हम जूस कॉर्नर पे पीते हैं ऐसे ही तैयार होता है। आपका दिल करेगा कि आप कभी भी बाहर से ना पिए बल्कि हमेशा खुद घर पर बना के पिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ऐसे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।